ये बारिश के कतरे देखे जी, मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ए अबरे करम, आज इतना बरस के वो आ ना सके, अब है वो जा ना सके। मैंने इसलिए कहा है वो आ ना सके, बेगम साहब इस रास्ते से आ नहीं सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी जुमान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मूनसून की पहली बारिश जो है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे गाँव में भी आ चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। बेगम साहब आने की कोशिश में तो हैं, आ भी गई है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, कह रही है से मौसम है, गर्मा की पहली बारिश, मॉनसून की पहली बारिश, आ जाओ। इसके लिए तो इसके लिए तो तरस रहे थे ना, इसी के लिए तो हम तरस रहे थे ना। बारिश हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें दिन में बरसात दिखा दी, माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं। अभी अहमद साहब के दोस्त का फोन आया कि बारिश हो रही है तकरीबन हमारे घर से 6-7 किलोमीटर दूर, तो मैंने कहा था बस अभी आ जाएगी बारिश, हमारे इलाके में भी आए तो वहाँ पर उन्हें बरसा कर उन्हें गीला करके बारिश अब यहाँ पर आ गई है। और ऐसी बारिश हो रही थी और बेगम साहबा अंदर बैठी थी, मैंने कहा मूनसून की पहली बारिश है गांव में, इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करो, एंजॉय। इसीलिए तो मैं गाना गा रहा था ना, ए अबरे करम आज इतना बरस के वो आ ना सके, मतलब कि आगे रास्ता थोड़ा कच्चा है ना, मैंने कहा बेगम आ ना सके। नहीं नहीं मैं आ गई, तो इस रास्ते पे जा ना सके। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इधर बैठ के एंजॉय करते हैं बारिश को। मैं भी रोजाना शिकवे कर रहा होता था ना आप सबसे, कह रहा था होता था कि आप जो है ना दुआ करें बारिश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने हमें जो है ना अपनी रहमत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक जहाँ जहाँ बारिश हुई अपनी रहमत को रहमत रखना, क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है बारिश के जरिए, क्योंकि कब पूरा लाहौर देखा जा रहा है कि डूब गया है पूरा लाहौर। बेगम मुझे कह रही है कि तुम्हारा मानसून बारिश में नहाने का क्या फायदा, क्योंकि सर पे तो पहनी हुई है तुमने टोपी। हाँ। तो इसको उतारते हैं जी, ओए हाय 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 हाय, गंद को तो भीगने दो। अभी आया है सुकून, हमारी फसलों को पानी लग गया, हमारा ट्यूबवेल नहीं चल रहा था लेकिन अल्लाह पाक ने ट्यूबवेल चला दिया और हमारी फसलों को देखो अहमद घाव कितनी ऊपर आ गई है देखो। हाँ जी, एक दिन की बारिश से, रात से जो बारिश हुई है शुरू, तो महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये था कि आज हमारे इलाके में रात को 3 बजे दोबारा बारिश होनी थी, लेकिन अल्लाह पाक की ऐसी करम नवाजी हुई है कि दिन में जो है ना अल्लाह पाक ने, और कल भी हमारे चावलों को पानी नहीं लगा लेकिन रात में बारिश हुई और हमारे चावलों को बरसात। अगर आपको ये पता कि बरसात का पानी चावलों के लिए बहुत फायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी ट्यूबवेल नहीं चल सका, आज तो वैसे ही मैंने नहीं चलाया क्योंकि ऊपर सारे बादल थे, बारिश का इनवान नहीं था, लेकिन कुदरत होता वही है जो मंजूर है खुदा को। अच्छा, हमारे बच्चे कैसे सुकून से अंदर बैठे हुए हैं, गांव के बच्चे तो देखो खेल रहे हैं। लाया है बारिश आने से पहले, इसलिए मैंने उन्हें मना करा कि बाहर मत निकलना। चलें जी यहां पर बैठते हैं और एंजॉय करते हैं जी मानसून, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहाते नहाते भागा हूं सीधा छत की तरफ, क्योंकि हमारे जो सोलर थे ना वो ऐसे थे, ऐसे से मुराद ये कि पानी जो ऊपर गिर रहा था वो सीधा जा रहा था स्टोर वाली कच्ची छत पे। फिर उनको मैंने कहा इसे सीधा करूँ, उनको इस तरफ उनका ढलान किया ताकि पानी जो है ना पक्की छत पे आए। उनको सीधा करने के बाद मेरी नज़र पड़ी हमारे जो पतनाले हैं दोनों, उनके सामने इतना जो है ना वो लगा हुआ था आगे, नीम के पत्ते, दरख्तों के पत्ते पूरे बंद, और बिजली की तारें पानी में भीग नहीं थी, तो शुक्र है कि बिजली नहीं थी। वैसे जी खैर, अभी तो बिजली को भूल जाए बेगम साहबा, 24 घंटे 48 घंटे, एक दिन दो दिन, ये तो है, ये पक्की बात है जी। और अभी जो है ना तकरीबन ये सिलसिला तकरीबन 3 से 4 दिन जो है ना हमारे इलाके में मौजूद रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब बारिश मांगते फिर बिजली का शिकवा ना किया करो। बिजली का शिकवा नहीं कर रहा हूँ, बिजली भले ना आए 10 दिन ना आए लेकिन 10 दिन बारिश हो, रज रज के हो, सर्दी आ जाए, क्योंकि इलाके सारे तबाह हुए पड़े हैं, फसलें तबाह हुई पड़ी हैं, सिर्फ एक फल जो है ना हमारा वो इस मौसम में ख़राब हो जाता है, इस सावन में, ख़ास तौर पे सावन में बारिशें वैसे ही होती हैं मानसून की, अगस्त की, और खजूर जो है ना जो अर्ली वाले होते हैं वो तो पक जाते हैं खा लेते हैं, लेकिन जो थोड़े से लेट होते हैं मतलब सावन के सेंटर में होते हैं वो सारे के सारे ऊपर ही ख़राब और खट्टे हो जाते हैं, बिल्कुल खाने के काबिल भी नहीं रहते। खैर जी ये भी अल्लाह की रहमत है,
और इससे तो समझ ले कि अभी काफी सारी तब्दीली आएगी, ठंड पड़ना शुरू होगी, फसलों को सुकून मिल जाएगा, दरख्तों को, परिंदों को भी मिल जाएगा सुकून, फसलों तो फसलें, बंदों को भी, इंसानों को भी सुकून मिल जाएगा। जैसे आज बन क्या रहा है, मूंग की दाल, जैसे बारिश का मौसम है, पकौड़े बन जाए तो क्या ही बात है। क्यों भाई बच्चों, वालेकुम अस्सलाम, बेसन है, ये तो कमाल हो गया यार, जबरदस्त डबल कमाल हो गया, धमाल भी हो गया। किधर लकड़ियां भी तो सारी गीली हो चुकी होंगी, जल जाएंगी, पक्की बात है। पक्की बात। चलो देखता हूँ मैं, अगर कुछ सूखी पड़ी है तो चेक करें। 10 मिनट हुए, सारी जगह खुश्क भी हो गई है। बाहर का जायजा लेते हैं कि बाहर क्या पोजीशन है। हाँ, जुत्ती तो बगैर आ आ आ, मैं बाहर वैसा, यकने को सलाम थी क्या, ढासे 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 बच गई। अभी चेक करें, ये रास्ता भी खुश्क हो गया सारा, 10 मिनट के अंदर अंदर चार पाई गीली हो गई। हैं जी। भाग के चल के देखते हैं जी कि हमारी चावलों की जो फसल है उसमें पानी की क्या पोजीशन है, क्योंकि रात को भी काफ़ी तकरीबन 2 घंटे बारिश हुई है। अभी तो खैर थोड़ी देर हुई है, 15-20 मिनट, लेकिन रात वाला पानी भी, ये पानी भी मिक्स हो के उम्मीद काफ़ी है कि 1-2 दिन जो है ना वो रुक जाएगी। अभी आपको खजूरों की जो है ना पोजीशन दिखाता हूँ कि मुंह कैसा हो गया खजूरों का। आज भी इनकी शक्ल देख लें और आपको 2 दिन के बाद भी दिखाऊंगा, 2 दिन और बारिश हो रही है, देखें इसमें पक्के पक्के डोके वो नज़र आ रहे हैं, 2 दिन के बाद भी जो है ना आपको दिखाऊंगा, देखें बीच में ये पके हुए ये वाले, 2 दिन के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे ख़राब हो गए। बेटा ध्यान से चलना, चल तो रही हो, मुझे तुम्हारा डर है कि कहीं खुदा ना खास्ता गिर ना जाओ। हैं, आराम से चलना। ये बारिश के कतरे देखें जी, मोतियों की तरह चमक रहे हैं, सुभान अल्लाह। किधर है अपने चावलों की फसल, ये रही, पानी का तो एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा उसमें। मैं तो खुश हो गया था कि फुल भर गई होगी। लेकिन दूर दूर तक पानी का तो नामो निशान भी नहीं है। आराम से आना बेटा, लेकिन ये थोड़े थोड़े कतरे भी जो है ना इसके लिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। ये जो आम रूटीन वाइज हम पानी लगाते हैं उससे बारिश के जो ये कुछ कतरे हैं ना, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा और डबल फ़ायदा है। चलो बेटा, तुम्हारी अम्मा मुझे कह रही थी कि ट्यूबवेल चला के उसको पानी लगा दो, अल्लाह पाक ने कैसे भेज दिया पानी। धनिया भी नहीं हुआ अभी तक हमारा, मामी लहसुन भी लगा के गई हैं ऊपर ऊपर, क्या बात है जी। चलो अभी धूप भी निकलना शुरू हो गई। अक्सर मुझे कह रही है कि पापा अभी तो धूप भी निकल आई। बेटा यहाँ पर बारिश ऐसे ही होती है, रात को देर तक गिरी थी ना अभी। ध्यान से चलो, चलो भाग के। बेगम साहबा, हम तो बड़े खुश हो रहे थे, बड़ी लुडियां डाल रहे थे, चावलों में एक कतरा भी पानी नहीं है। वो चावल कह रहा हूँ, कभी पकाने वाले नहीं समझो, फसल में। हाँ, फिर ट्यूबवेल भी नहीं चला सकते, उसका बिजली वाला बोर्ड चल रहा है, नहीं वो भी बंद हो गया, ऊपर बारिश हो रही है तो कैसे चलेगा बिजली वाला भी, मामू वालों का भी पीटर खराब है। खैर गुजारा कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। पकौड़ों का क्या करना है, अब मैं धूप चलेगी, पकौड़े खा के क्या पेट खराब करना। धूप चली गई, धूप चली गई, बारिश चली गई ना, धूप तो है ना अभी, धूप होने तो धूप से क्या, धूप में पकौड़े नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा पेट खराब हो जाएगा। ये देखिए जी, दिल के अरमासों में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए, कहाँ रहे साथ में। या तो फिर तुम कहती नहीं कि पकौड़े बनाने, मैंने कहा था बारिश आ रही है तो बाहर रखे ना सिलेंडर, हम पकौड़े बना लेंगे, लेकिन बारिश ने कहा नहीं बनाओ नहीं बनाओ, पेट खराब हो जाएगा, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा जाओ, अब नहीं बनेगा, नहीं अब नहीं बनेगा, अब कल देखेंगे। रात को 3 बजे जब बारिश आएगी ना जब बनाएंगे। ये अजीब बात है जी, रात को 3 बजे बारिश आएगी तो फिर बनाए जाएंगे पकौड़े, अभी जाएंगे पकौड़े। दाल बनाओ, दाल बोन भी पकाना, दूसरी नहीं पकाना, हाँ भुनी हुई पकाना, क्योंकि वो दूसरी दाल मैं बड़े शौक से खाता हूँ, भुनी हुई, और वो भी मूंग की दाल। ये बाइक राबिया यहाँ पर जवाद ने खड़ी कर दी है, सावन की बारिशें हैं, ये तो ऐसे जंग पकड़ेगा, और मुझे तो गाड़ियों का भी डर है अभी,
गाड़ियों को भी काफी जंग पकड़ेगा। आप पता है क्या होगा, जैसे ही बारिशें खत्म होंगी ना वैसे ही गाड़ियों को धुलाना पड़ेगा। अच्छा राबिया एक एक और भी तुमसे डिस्कस करनी है, इधर आओ जरा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तुमने भी एंजॉय किया? ये तो छुप गए थे। हैं एंजॉय कर लिया? नहीं छुप नहीं गए थे, मैं छत पे गया था, ये नहा रहे थे बारिश में और खुश हो रहे थे। हाँ जी अच्छा, बाकी तो हमने सारा काम ठीक कर लिया और इंसान को भी समझ लो कि तकलीफ का एहसास जब होता है, जब उसको दर्द हो थोड़ी बहुत तकलीफ मिले उसको ना, तो फिर उसको जो है ना एहसास होता है कि यार वाकई जो है ना ये मैंने गलती की हुई है, इस गलती को सुधारना चाहिए। अब तुम भी वो बात मेरी अगली समझ रही हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? नहीं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं समझ आ रही, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा अहमद एक बात है, हम एक काम करते हैं, हमारा ये सहन तो कच्चा है, जहाँ हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ना, मैंने सोचा कि इतना ना यहाँ पे ईंटें बिछा लें, टुकड़े तो हमारे पास रखे हुए, कोई छोटी है बड़ी है सब ने यहाँ पर ये बिछा लें। मेरी बात तुमने पहले ही छीन ली समझ लो, यही बात मैं कहने वाला था। मैं ये कहने वाला था कि अब देखो ना बारिश होती है ना, हमारा वो सहन तो पक्का है, उधर की तो टेंशन नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमें एहसास हर साल उस वक्त होता है कि जब बारिश होती है, तो हमें ये एहसास होता है कि हम जो है ना इस जगह को भी किसी तरीके से जो है ना पक्का कर लें। अब पता है जी इसका जो है ना जो मेन नुकसान है ना वो हमें ये होता है कि गाड़ियाँ हमारी जहाँ पर रुकी हुई हैं वहाँ पर स्टक हैं, अगर हम इनको ले कर आते हैं ना तो मिट्टी होती है कच्ची, नीचे होती है कीचड़, तो इनके व्हील्स जो है ना वो फ्री हो जाते हैं। और नवाज़ भाई भी जब आए हुए थे तो वो भी मुझे यही कह रहे थे कि अहमद भाई वहाँ से लेकर ना वहाँ से तो ईंटें बिछवा दो, खाली ईंटें, भले उसके ऊपर वो नहीं करो आप, इधर ना बिछाओ, इधर की टेंशन छोड़ो, लेकिन गाड़ियों के नीचे बिछाओ। नहीं नहीं अभी जो है ना ईंटें वहाँ से बिछवाता हूँ, वहाँ से वो ऐसे लेते हुए ऐसे सीधा, कच्ची जमीन चाहिए मतलब। वो बैक साइड वाली कच्ची पड़ी है ना, वो हम गर्मियों के लिए तो यहाँ पे बांधेंगे ना, हम यहाँ पे हमें कच्ची जमीन जानवरों के लिए चाहिए। आप बस ऐसे करें कि इतने इतने हिस्से में बिछवा दें जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी, क्योंकि अभी जब बारिश हो रही थी ना तो मैं तुम्हें पता है कि ये कह रहा था कि अबरे करम आज इतना बरस के वो आ ना सके, आ ना सके से मुराद ये जगह थी कि इस जगह से जो है ना बेगम साहबा कहीं गिर के जख्मी ना हो जाए। नहीं मैं नहीं होती जख्मी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत बाहर पहुंच गई थी। आप ऐसे करो कि पीछे हटिए रखी हुई हमारी तरफ रखी हुई, पता नहीं कितनी है, कितनी है, इतनी है कि यहाँ पर बिछ जाएगी, इतनी है यहाँ बिछ जाएंगी। तो हम ऐसे करते हैं कि इतना इतना हिस्सा ना ये रखे यहाँ से, ये बॉर्डर ये पूरा हम यहाँ पे ना गाड़ियों की जगह पे ईंटें बिछवा दें। चल कुछ ना कुछ करना जरूर है, वरना नवाज भाई पता है मुझे क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भले तुम ईंटें भी नहीं बिछाओ ना तो तुम एक काम करो ऐसे खाली जो है ना जमीन पे खाली ऐसे भी अगर खाली तुम प्लास्टर लगवा दोगे ना सीमेंट डलवा दोगे ठीक है, तो वो भी कहीं नहीं जाता, पड़ा रहता है बजरी के साथ, ये नहीं सीधा सारा उतर जाएगा। क्या है नीचे कच्ची मिट्टी, कच्ची पे नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, सवाल ही नहीं, किस्म आजमा के देख लें आप। अच्छा और आप एक बात और से भी अंदाजा कीजिए कि मैं कितना आलसी बंदा हूँ। वो तो नजर आता है अब। देखे जी इंसान वो जो अपनी गलती ना टाइम पे तस्लीम कर ले और टाइम पे जो है ना वो कह दे कि यार हाँ वाकई जो है ना मैं इस बात में गलत हूँ, तो मैं आलसी तो शुरू से हूँ ही हूँ। अब मेरी गाड़ियों को बारिश ने धोया है लेकिन मैंने इनको नहीं धोया, ये देखिए ये बेचारी भी आधी धुली हुई है, और आपको बताऊं कि इनके कपड़े भी आए रखे हैं, नए कपड़े रखे हुए वाटरप्रूफ साहब है ना, नहीं बिछाते, मैंने फिर छोड़ दिया कहना। बाहर देखो ट्यूबवेल में बच्चे मेरे ख्याल में, मैं ट्यूबवेल को छोड़ो मैं दाल देखूं, दाल ना मेरी जल जाए, पहले भी जलने वाली थी तो मैं टाइम पे पहुंच। अच्छा एक और आलस भी दिखाता चलूं जी आपको, ये तो ये और ये बेगम साहबा है, मुझे तकरीबन एक साल हो गया ना होड को लगे हुए जाली का, यहाँ पर जो है ना अहमद साहब जाली लगा दो लेकिन वो जाली भी नहीं लगी। ऑफ कैमरा अहमद साहब की मेरी इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे बहुत लड़ाई होती है। अच्छा। बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, ये फिर भी नहीं सुधरते। एक और बात छोड़ दें, एक और बात, ये किचन की छत का सारा पानी ना पतनाले से नहीं आ रहा, इस जगह पे रुका हुआ इस कोने में रुक गया, तो इनको भी मैंने कहा था कि पक्का करना है। हाँ जी। मतलब एक एक लेप जो है ना वो इनको कराना है। खैर वो मैंने तो काली के जिम्मे तो लगाया था, अब वो ना आके करे तो फिर इसमें मेरा कसूर तो नहीं, तुम करो ना, काली क्यों करेगा, आप करो ना। नहीं गारा वो बना के देगा, ऊपर लिपाई मैं करा लूंगा ना साथ। करवा ली, गारा मुझसे बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? वो भूसा रखा है ना तुमने बकरी के लिए, वो हम उठा के छत पे डाल देंगे, स्टोर की भी लिपाई हो जाएगी और किचन की भी लिपाई हो जाएगी। आप बच्चों को देखे भाई, मैं जरा दाल को देखना, थोड़ी सी कसर है, ये खुश्की बनी हुई थोड़ी सी रह गई, हल्की हल्की कच्ची है, ये देखे
बिल्कुल भुनी हुई हो। हाँ बिल्कुल, पानी आने का एक कतरा भी ना हो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। हरी मिर्ची ऊपर से डाल देना, हरी मिर्ची नहीं है। अच्छा, धनिया अभी तक भी नहीं होगा हमारा, मामी उसके बाद लहसुन भी लगा के गई थी, लहसुन वहाँ पर हो रहा है, लहसुन की दो तीन जवे जो है ना, उन्होंने जो है ना वो अपने वो निकाले हुए हैं ऊपर पत्ते भूखे। हाँ भूखे भूखे, हाँ वो भूखे हो जाएगा, भी हो जाए, वो धनिया भी उग जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज बारिश आ गई ने तो हम, मैंने और अदीना ने ये जगह साफ करके ना धनिया लगाना था, इधर लगाना है 100%। हाँ जी, क्योंकि अगले दिन धनिया बहुत ज्यादा महंगा है और मिलता भी नहीं है, मिलता नहीं है, और जो आगे 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 तो ये आपको फ्री में ही मिलेगा। ये दुआएं देते हैं जी अपने भाई को माशाल्लाह से, जिसने जो है ना यकीन करें कि आए हाय हाय। मैं कहता हूँ जी, ये और पेटी खोली थी, ये देखें कैसा बिल्कुल येलो येलो, ये क्या? अच्छा ये यहाँ से पता नहीं चौसे को क्या हो जाता है, ये सिर्फ इसी जगह से, ये सख्त है। और मैं जो है ना थोड़ा सा सख्त आम खाता हूँ, ये लो मुझे भी काट के देना, ये खराब हुआ पड़ा है, खराब है, थोड़ा सा काट दो और काटो थोड़ा सा, देखो कितना खराब है, पूरा खराब है। बकरियों को डाल दो, हाँ बकरियों को डाल दो प्लेट में काट के ना, बकरियां वैसे भी शौक से खाती हैं, और इसको जो है ना मुझे काट के दे दो। ये लो, ये है जी मौसमी चौंसा। हाँ जी, जिस दिन ये आया था हमने एक पेटी उसी दिन खोली थी, हल्के समझ लें कि वो थोड़े कच्चे थे, लेकिन टेस्ट बड़ा जबरदस्त था इनका। अच्छा चौंसा दो तीन किस्म का होता है, काला चौंसा, चिट्टा चौंसा, पीला चौंसा, नीला चौंसा, मौसमी चौंसा। ये लो दोनों खाते हैं, ये राइट है, एक होता है जिसके अंदर वो होते हैं छेतू, लेकिन इसके अंदर नहीं है, दिखाना। ये आ जाए जी, सब बिस्मिल्लाह करा जी, आया बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, मीठे तो जो कमाल के मीठे हैं, शहद मीठे हैं माशाल्लाह से। और मैं क्या करता हूँ ये भी तो जरा बताओ ना, रोटी के साथ रोटी के साथ सालन भी होता है, सालन के साथ आम खाता हूँ, और जो इसका टेस्ट है ना एक दफा ट्राई करके देखिएगा। एक दफा लस्सी का आइडिया भी दिया था ना आपको कि बोतल वाली लस्सी बना के पिए, ये देहाती वालों की ना आदत है कि आम रोटी आम के साथ जरूर खाए, तंदूरी रोटी हो शर्त ये है, तवे वाली ना हो तो फिर इसका जो मजा है ना, बेचारे कहां से लाएंगे। तंदूरी रोटी मिलती है शहरों में, लगाए हुए तंदूर, अभी तो एडवांस आ गए हैं तंदूर, एडवांस सिलेंडर पे भी जलते हैं, वैसे नहीं होते जैसे घर के। हाँ वो तो है, आधी परेशानी बेगम साहिबा की इसने खत्म की। अच्छा राबिया, इस मशीन का कौन कौन सा पॉइंट जो है ये चिप्स की तरह भी काटते, क्योंकि जी बेगम साहिबा अब जो है ना सब्जियां वगैरह सारी इसी पे काट रही है, मैंने देखा है, प्याज हो गए सब चीजें, सब ये गाजरों को भी कद्दूकश करती है राबिया, चिप्स भी काटेगी, सब कुछ, प्याज भी इसी से काटती है राबिया, टमाटर भी इसी से काटती है। इसका है कहाँ पे वो कम ज्यादा करने वाला, अब तुम्हें कैसे, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हें कैसे आइडिया है कि एक नंबर पे स्लाइस बनाती है, गोल वाले, हाँ गोल वाले, दो नंबर पे ये बारीक करती है प्याज को चपोर, तीन नंबर पे ये वो वाले काटेगी गोल वाले प्याज, 4 नंबर पे चिप्स वो ही स्लाइस वाले चिप्स। अच्छा हाँ। जैसे छुरी के साथ गोल टिक्किया काटते हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब पसंद है, हाँ, जबरदस्त, आप तो जी डेली इसी पे काट रही है डेली। पकौड़े बना लेती तो क्या ही अच्छा था, वक्फे से तो बारिश हो रही है, ये मेरे कपड़े देखें जी, ये पसीने से आज नहीं भीगे हुए, रोज कहता हूँ पसीने से भीगे हुए, लेकिन आज पसीने से नहीं भीगे हुए, आज बारिश से भीगे हुए, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई और अभी भी जो है ना बूंदा बांदी शुरू है। हाँ जी, हाँ तो अगर पकौड़े बना लेते तो तुम तो कहती कि धूप निकल आई है, बस पकौड़ों की अभी जरूरत ही नहीं है, कहाँ थोड़ी देर निकली है ना, उसके बाद तो फिर मौसम ऐसा ही हो गया ना, अब ये पूरा समझ लो कि 4-5 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, 4-5 दिन तक पकौड़े खाते रहे, फिर भी मौसम इस मौसम में बैठ के पकौड़े एंजॉय करने का अलग ही मजा है, अलग ही टेस्ट है, हर चीज की टाइमिंग होती है, कल बना लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पक्की बात है, पक्की बात है, सुन लें जी आप भी सब गवाह हैं। हाँ जी हाँ जी, अगर बने तो कल के व्लॉग में दिखाऊंगा कि पकौड़े बने, नहीं बने तो बाजार से ले आएंगे। तुम्हारा पहला मिशन भी यही है कि बाजार से ले आएंगे। अच्छा बेगम साहब ने गीले कपड़े
फौरन चेंज कर ली, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया। नहीं नहीं मैं वैसे ही पहने, बारिश हो जाती है, मैं तो वैसे ही रहूंगा जी, ये ठंडे ठंडे लगते रहते हैं और जब पंखे के नीचे। और आज हाँ पंखे से याद आया जी, आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया, बारिश भी हो रही है और बिजली भी रुकी हुई है। बिजली रुकी नहीं है, बिजली आ रही है और जा रही, आ रही है और फिर भी टेस्ट तो टेस्टिंग तो दे रही है ना कि मैं मौजूद हूँ, आ जाऊंगी, वरना तो कभी एक बूंद पड़ती है तो फिर 24 घंटे भूल जाओ। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ये तो हो रही है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मॉनसून कहाँ कहाँ हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी तरफ तो आज मॉनसून की फर्स्ट बारिश हुई है, माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट करते रहे। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे नए व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल नए व्यूअर्स जी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर आने वाली मॉनसून की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।